सैमसंग गैलेक्सी M51 आ चुका है गाइस ऑफिस में। आज इसे अनबॉक्स करके देखते हैं कि क्या है इसमें इतना मॉन्स्ट्रस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये है M51 का रिटेल बॉक्स। सैमसंग का टिपिकल पैकेजिंग देखने को मिलता है इमेज और टेक्स्ट के साथ। हमारे पास यहाँ पर 6128 का वेरिएंट है, लेकिन इसमें और एक वेरिएंट आता है जो कि 8GB रैम और 120GB स्टोरेज के साथ आता है, और साथ ही साथ एक ब्लैक कलर का ऑप्शन भी आता है जो कि सैमसंग सेलेस्टियल ब्लैक बुलाता है, बट मेरे हिसाब से वो ग्रे कलर का दिखता है, बट व्हाटएवर। While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Much later. So, box के अंदर हमें Galaxy M15 देखने को मिलता है, एक 25 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, Type-C to Type-C USB केबल देखने को मिलता है, थोड़ा पेपर वर्क और एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलता है। सैडली बॉक्स के अंदर हमें कोई केस नहीं देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली क्योंकि इसका बैक अगर प्लास्टिक का बना है तो स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट्स तो इसमें बहुत ही आसानी से आएंगे। तो अगर आप ये फोन खरीदते हो तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर एक केस ले लो, नहीं तो इसका बैक बहुत ही इजीली स्क्रैच हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें हमें 7000mAh का मैसिव बैटरी देखने को मिलता है, मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये भारी होगा, बट टू माई सरप्राइज ये इतना भारी नहीं है गाइस। हल्का वल्का तो नहीं है, बट इतना बड़ा बैटरी होने के बावजूद वेट इतना बैलेंस्ड है, तो वो एक अच्छी बात है। अब आई नो आप लोगों ने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग्स और कुछ अर्ली रिव्यूज ऑलरेडी देखे होंगे, तो मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। फटाफट से आपको स्पेक्स का एक रिफ्रेश दे देता हूं पहले, और फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मेरे थॉट्स भी बताऊंगा इस फोन के बारे में, जिसके बाद आप मस्त वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरी दूसरी वीडियोस का लाभ उठा सकते हो। ऑलराइट, सो गैलेक्सी M51 में हमें 6.7 इंचेस का 1080p सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से कवर्ड है। पीछे की तरफ हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का सेंसर है F1.8 अपर्चर के साथ आता है। सेकेंडरी कैमरा एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो कि 12 मेगापिक्सल का सेंसर है और 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है, और बाकी दो दर्शन मिलन के वास्ते 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। M51 फाइनली एक स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि यह स्नैपड्रैगन 730G और इसके साथ 6 या 8GB रैम ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टोरेज मगर वही पुराने UFS 2.1 का इस्तेमाल करता है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। अब जो 7000mAh का बैटरी देखने को मिलता है हमें इसमें, सैमसंग के हिसाब से जो 25 वॉट का चार्जर है वो इसे 0 टू 100 115 मिनट या फिर लगभग 2 घंटे में चार्ज कर सकता है, जो कि इतने बड़े बैटरी साइज के हिसाब से बहुत ही डिसेंट है। Alright, अब मेरे ओपिनियंस की बात करते हैं, तो गाइस आई फील सैमसंग गैलेक्सी M51 एक वर्थी ऑप्शन हो सकता था, मगर सैमसंग ने बहुत ही चिंदी चीजें की है इस फोन के साथ, जो कॉम्पिटिटर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है इसके मुकाबले। नहीं, सिर्फ वो मिड रेंज 730G चिपसेट की बात नहीं कर रहा हूँ इस प्राइस में, बल्कि और भी कुछ वियर्ड चीजें, जैसे कोई तरीके का स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं देखने को मिलता, कोई केस नहीं है बॉक्स में, AMOLED स्क्रीन होने के बावजूद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ना होना, नो स्टीरियो स्पीकर्स, एक बहुत ही अनइंस्पायरिंग बोरिंग कलर ऑप्शन, ऊपर से प्लास्टिक बैग के साथ आता है, एक्सेट्रा। अगर मे बी 765G चिपसेट देखने को मिलता तो ये चीज़ें इग्नोर कर सकते थे हम, मगर जब सैमसंग एक मिड रेंज में यूज़ किए जाने चिपसेट को यूज़ कर ऑलरेडी जब पैसे बचा रहा है, ये दूसरी चीज़ों को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। अब उसके लिए ये मत सोचना कि M51 बेकार बेकार है, ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें M51 में बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि वो ब्यूटीफुल AMOLED डिस्प्ले। हाँ, हाई रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता, मगर कंसिडरिंग कि सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स के अलावा दूसरे कोई भी सैमसंग फोन में अभी के लिए हाई रिफ्रेश रेट पैनल नहीं देखने को मिलता, आई थिंक इट इज ओके एज फार एज आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी डिस्प्ले क्वालिटी है तो। अब OnePlus Nord का डिस्प्ले बेटर है या सैमसंग गैलेक्सी M51 का, नीचे कॉमेंट्स में मत पूछना अभी, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं एक कंपैरिजन ला रहा हूँ OnePlus Nord का और गैलेक्सी M51 का, तो वो देखने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि आप उसे मिस ना करो। कमिंग बैक टू परफॉर्मेंस, जैसे मैं बोल रहा था, अगर सैमसंग इसमें 765G प्रोसेसर दे देता तो इसको रेकमेंड करना थोड़ा आसान हो जाता, बट क्योंकि इसमें सिर्फ 730G चिपसेट ही देखने को मिलता है, जो कि कंपटीशन के मुकाबले काफ़ी अंडर पावर्ड है, आई डाउट अनलेस आपको सैमसंग का ही फोन चाहिए, मार्केट में दूसरे बहुत ही अच्छे फोन्स है जिसमें बेटर प्रोसेसर देखने को मिलता है। बट एनीवेज अभी परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, मैं उसके बारे में मेरे फुल रिव्यू में बात करूंगा इसको अच्छे से टेस्ट करने के बाद। अब मैंने कुछ फोटोज भी लिए इसके कैमरास के साथ, बट अभी के लिए आप मुझे बताओ फोटोज कैसे निकल कर आए नीचे कमेंट्स में, मैं दूसरे कंडीशंस में टेस्ट करने के बाद आपको फुल रिव्यू में बताऊंगा कि कैमरा कैसा है इसका।
बस ये ध्यान में रखना कि क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है तो इसमें हम जी कैम इंस्टॉल कर सकते हैं अगर डेवलपर्स इसके लिए बनाते हैं तो अगर आपको डेडिकेटेड जी कैम रिव्यू देखना है तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। अब लास्टली कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो मैंने सो फार ऑब्जर्व किया हूँ इस फ़ोन के साथ। सो इसमें हमें डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट स्कैनर सो फार बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका प्लास्टिक बैग बहुत ही ज़्यादा चीप फीलिंग देता है गाइस, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई 10,000 के फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। स्पीकर्स बहुत ही एवरेज है, नॉट ओनली क्योंकि एक मोनो है और ना कि स्टीरियो, बट क्वालिटी वाइज और लाउडनेस वाइज बहुत ही एवरेज निकल कर आते हैं इसके स्पीकर्स। अब जस्ट बिकॉज ये एक सैमसंग का फोन है और एक नॉन चाइनीज फोन है, ये मत समझ लेना कि इसमें ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस जैसा आप देख सकते हो इस क्लिप में बहुत ही सारे प्री इंस्टॉल एप्स के साथ आता है गैलेक्सी M51। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। ऐसे फोन आई फील गैलेक्सी M51 कस्टमर्स को डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बट ओवरऑल ऐसे पैकेज एंड कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन ये दूर दूर से वैल्यू फॉर मनी नहीं है, एंड आई हॉनेस्टली फील सैमसंग को इस प्राइस में कुछ बेटर डिलीवर करना चाहिए था। एनीवेज इस फोन का फुल रिव्यू जल्दी आ रहा है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे थे टेकअप, बातचीत करूंगा आपसे मेरे अगले वीडियो में। टेक इट ईजी।